हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम एसटी लर्निंग चैनल। आज मैं क्लास फर्स्ट के लिए ए हैप्पी चाइल्ड स्टोरी है, ये पोयम है, वो लेकर आई हूँ। पहले हम इसकी पोयम पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट में यूनिट जो है उसकी स्टोरी पढ़ेंगे। तो पहले है ए हैप्पी चाइल्ड। तो हैप्पी मीन्स क्या होता है? खुश। हैप्पी मीन्स क्या होता है? खुश। चाइल्ड मीन्स होता है बच्चा, यानी कि एक बच्चा। ए हैप्पी चाइल्ड और यूनिट है इसका वन, यानी कि जो इसका यूनिट है वन। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Enjoy this poem means enjoy this poem, यानी कि poem को enjoy के साथ पढ़ना, ठीक है। My house is red, मेरा घर क्या है? Red है। कौन से रंग का घर है मेरा? Red। A little house, एक छोटा house है, एक छोटा सा घर है उसका जो कि लाल रंग का है। A happy child am I, एक खुश बच्चा क्या मैं हूँ? वो बोल दिए जो खुश बच्चा है। एम आई क्या मैं हूँ? आई लाव एंड प्ले द होल डे लॉन्ग, मैं हंसती हूँ और खेलती हूँ पूरे के पूरे दिन, लंबे समय तक क्या करती हूँ? मैं खेलती हूँ और हंसती हूँ, ठीक है। आई हार्डली एवर क्राई, मैं कभी भी हार्डली क्राई, मतलब कि हार्ड तरीके से क्राई नहीं करती है वो। आई हार्डली एवर क्राई, ठीक है, इतनी ज़ोर ज़ोर से हार्डली क्राई करती, ठीक है। उसके बाद है आई हैव अ ट्री, मेरे पास एक ट्री है, अ ग्रीन ग्रीन ट्री। कौन सा ट्री है? ग्रीन ग्रीन ट्री है, ओके। टू शेड मी फ्रॉम द सन, जो कि टू शेड मी, शेड क्या होती है? छाया, जो कि मुझे सन से छाया देती है। टू शेड मी फ्रॉम द सन, मुझे सन से क्या देती है? छाया देती है। एंड अंडर इट, और मैं इसके नीचे अक्सर बैठती हूँ। आई ऑफन सिट, मैं क्या, वो क्या बोल रही है कि मैं अक्सर इस ट्री के नीचे बैठती हूँ और ये मुझे सन से छाया देता है। कौन देता है? ट्री देता है, ठीक है। व्हेन ऑल माई प्ले इज डन, और जब मैं सारा गेम पूरा कर लेती हूँ, वो जितना भी सारा प्ले खेलती है, अपना प्ले खेल लेती है, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें ना आपको, इसमें मैं सोच रही हूँ आपको प्री पोजिशन भी सिखा दिया जाए ताकि बच्चा अच्छे से सीख सके। तो देखो इसमें एक, इसकी वीडियो मैं नेक्स्ट बना दूँगी। चलो अभी इसके न्यू वर्ड्स करते हैं। देखो न्यू वर्ड्स में क्या है? न्यू वर्ड्स में है क्राई। क्राई मीन्स होता है रोना। क्राई मीन्स क्या होता है? रोना। डे मीन्स होता है दिन। रेड मीन्स होता है लाल। सन होता है सूरज, ठीक है, ये याद रखना वो क्या अपने। लेट्स रीड, चलो पढ़ते हैं। द सन शाइन्स इन द स्काई, जो सूरज है मुझे सन शाइन्स इन द स्काई, आसमान में शाइन्स करता है, यानी कि चमकता है। शाइन्स मीन्स चमकता है। आई हैव अ रेड पेन, मेरे पास एक रेड पेन है। मेरे पास क्या है? एक रेड पेन है, ठीक है। तो इसी तरीके से देखिए जो ये पोयम है ए हैप्पी चाइल्ड फिनिश होती है। और ये पोयम देखो इस तरीके से होती है, जो इस तरीके से पैटर्न बन रहा होता है पैराग्राफ में, इसको पोयम बोलते हैं, ठीक है। और इसके हमने न्यू वोकैब, न्यू वर्ड्स, और इतना पेज वन हमने कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए पेज टू पे आते हैं। रीड एंड मैच द वर्ड्स विद द पिक्चर्स ड्रॉ अ लाइन, यानी कि रीड करो। रीड यानी कि पढ़ना है, मैच द वर्ड्स, वर्ड्स के साथ मैच करो पिक्चर के साथ, ड्रॉ अ लाइन। देखो बॉय मीन्स होता है लड़का, बॉय क्या होता है? लड़का। गर्ल कौन होती है? लड़की। अब आप बताओ कि इन दोनों में से बॉय कौन है? ऑप्शन दे रही हूँ, बॉय ये है या ये है, जल्दी बताओ। तो बॉय होता है लड़का, गर्ल होती है लड़की, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, कैसे बोलेंगे? आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, इस तरीके से आपको बोलना है। गर्ल माने लड़की, बॉय मीन लड़का। अ फन विद द कलर्स, अ फन विद द कलर्स में क्या है? फील इन द बॉक्स विद द राइट कलर। अब फील करना, फील मतलब क्या होता है? उसको पूरा ऐसे करके भरना है। आप अपनी नोटबुक ले लीजिए और उसको पूरा ऐसे करके भरना, ठीक है। तो कैसे करना है? फील इन द बॉक्स विद द राइट कलर, एकदम सही कलर से उसमें भरना है। तो पहला क्वेश्चन वो कर रहा है व्हाट इज़ द कलर ऑफ द हैप्पी चाइल्ड्स हाउस, वो कह रहा है व्हाट इज़ द कलर ऑफ द हैप्पी चाइल्ड्स हाउस। तो आप मुझे फटाफट बताओ कि हैप्पी चाइल्ड्स का जो घर था कैसा दिख रहा था? आपको दिख रहा होगा इमेजेस में, तो बताइए कौन सा दिख रहा था? रेड कलर, वेरी गुड। तो मैं यहाँ से रेड पिक करती हूँ, तो इसमें मैं क्या कर दूँगी? रेड कलर पूरा फील कर दूँगी। आप अच्छे से करना ड्रो, इसमें रेड कलर मेरा आ जाएगा, ठीक है, इसमें रेड कलर मेरा पूरा आ जाएगा। उसके बाद व्हाट इज़ द कलर ऑफ
वट इज़ द कलर ऑफ योर हाउस, अब बोल रहा है वट इज़ द कलर ऑफ योर हाउस, तुम्हारे घर का कलर कैसा है, तो मैं इसका आंसर दूंगी माई हाउस इज़ कलर पिंक, मेरा जो पिंक है मेरे घर की जो दीवार है वो पिंक कलर की है, तो इसमें आपने पिंक भरो या कोई सा भी जो आपका कलर होगा ग्रीन येलो जोन सा भी आपका घर का दीवार का कलर है आपने वो भरना है, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं वट इज़ द कलर ऑफ द ट्री, वट इज़ द कलर ऑफ द ट्री, अब ट्री का कलर कैसा होता है बताइए जल्दी से, ट्री का कलर कैसा होता है, तो ट्री का कलर क्या होता है ग्रीन, कैसा कलर होता है ट्री का ग्रीन, तो आपने इसमें ग्रीन भरना है वट इज़ द कलर ऑफ द ट्री, तो द कलर ऑफ द ट्री इज ग्रीन। उसके बाद है वट इज़ द कलर ऑफ द सन, अब सन का कलर बताइए कि सन का कलर कैसा होता है, तो जल्दी से सन का कलर कैसा होता है, तो द सन कलर इज येल्लो, सन का कलर कैसा होता है येल्लो, तो आपने इसमें येल्लो कलर भरना है, ठीक है। अब हमने इतना सीख लिया इसमें, अब लेट्स टॉक, लेट्स टॉक में क्या क्या चीज़ें हैं, लेट्स टॉक पढ़ते हैं, टॉक मीन्स बात करते हैं, ठीक है, टॉक मतलब क्या होता है बात करते हैं, चलिए बात करते हैं, तो लेट्स टॉक में जो जो चीज़ें पढ़ने को मिलेगी हम वो पढ़ेंगे। हाँ इज देयर अ ट्री ग्रोइंग नियर योर हाउस, ग्रोइंग मीन्स हो रहा बढ़ना, अगर तुम्हारे घर के आसपास कोई ट्री है, क्या ट्री है जो कि बढ़ रहा है, तो सब क्वेश्चन कर रहा है टेल अस अबाउट द ट्री इट इज़ अ बिग और स्मॉल, अब ट्री के बारे में बताओ कि ट्री वो बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है, तो कैसे बताओगे, येस आई हैव अ ट्री नियर माई हाउस, दिस इज़ अ ट्री नेम इज़ नीम ट्री पीपल ट्री बर्गर ट्री यू कैन एनी थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डू यू लाइक द ट्री, वट इज़ द नेम ऑफ द ट्री, क्या आप पेड़ों को पसंद करते हैं और कौन सा ट्री आप पसंद करते हैं, तो बोलना आई लाइक द ट्री बर्गर ट्री बिकॉज ही दिस इज़ द ट्री इज़ टू ब्यूटिफुल, ठीक है, वो ट्री जो होता है बर्गर काफ़ी मेरे को ब्यूटीफुल लगता है, उसकी जो स्टेम होती है जो उसकी लीफ होती है बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी और बहुत सुंदर दिखता है, तो बोलना माई फेवरेट ट्री इज़ बर्गर ट्री या नीम ट्री या पीपल ट्री यू कैन से एनीथिंग। देखिए उसके बाद लेट शेयर में पढ़ेंगे, लेट शेयर में क्या पढ़ना है, लेट शेयर में पढ़ेंगे कि देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ हाउसेस, बहुत सारे हाउसेस हैं, ठीक है, सर्कल द वंस यू हैव यू सीन, उस पर सर्कल करना है जो घर तुम देख चुके हो, तो कौन सा घर तुम देख चुके हो उस पर क्या करना है हमें सर्कल करना है, जैसे कि ये होता है हट, क्या होता है इसको बोलते हैं हम हट, हट क्या होती है, हट होती है झोपड़ी जो कि पत्थर ईंट सीमेंट से नहीं बनी हुई होती है, सिर्फ ये लकड़ी और सूखी घास से बनी हुई होती है, ठीक है, हट बोलते हैं ज़्यादातर हट हमें वैलेज यानी कि गाँव साइड मिलती है। ये होता है इग्लू, इग्लू क्या होता है बर्फ़ का घर होता है, जहाँ पे बर्फीली जगह होती है वहाँ पर इग्लू बनाया जाता है, बर्फ़ के घर को बोलते हैं, इसमें कोई सी प्रकार का कोई मटेरियल यूज़ नहीं किया जाता, इसमें पत्थर रोड़ी कुछ तरीके की चीज़ यूज़ नहीं की जाती है। ये होता है फ्लैट, फ्लैट होता है एक बाई एक घर होने से फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर उसको बोलते हैं हम फ्लैट, जिसमें एक बाई एक घर बना हुआ होता है और ये ईंट पत्थर रोड़ी सीमेंट सरिया ठीक है इन सब से बना हुआ होता है। फिर नेक्स्ट होता है बंगलो, बंगलो होता है वो घर होते हैं जहाँ पर बहुत सारे रूम किचन बाथरूम टॉयलेट और लिविंग एरिया और गेस्ट रूम ये सारी चीज़ें दी गई होती है और बहुत बड़ी जगह पर ये बनाया जाता है और इसमें गार्डन भी होता है जिसको हम बोलते हैं बंगलो। तो अब वो पूछ रहा है आपने जौन सा भी घर देखा उस पर आपने सर्कल करना है, देखिए मैंने तो हट भी देख रखा है ठीक है, उसके बाद मैंने जो है इग्लू भी देख रखा है, बर्फ़ का घर भी मैंने देख रखा है, उसके बाद मैंने फ्लैट भी देख रखा है ठीक है, उसके बाद मैंने बंगलो भी देख रखा है, तो आई हैव सीन फोर हाउसेस ठीक है, मैंने चारों घर देख रखे हैं। आपने जो से भी घर देख रखो आपने उस पर सर्कल करना है ठीक है। अब नेक्स्ट आता है लेट्स ड्रो, क्या आता है लेट्स ड्रो, ड्रो मीन्स होता है कि चलो अब ड्रो करते हैं कुछ ड्राइंग बनाते हैं, ड्रो योर हाउस हेयर एंड टॉक अबाउट इट, ड्रो योर हाउस हेयर एंड टॉक अबाउट इट यानी कि अपने हाउस को ड्रॉ करिए
और टॉक अबाउट और इसके बारे में बताइए। तो मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करके आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। जैसे कि मैं एक हट बना रही हूँ, आप सुंदर सा हट बनाइएगा अपने पेज पर इस वाले, ठीक है, ताकि अच्छा भी लगे। अब तो स्कूल खुल नहीं रहे हैं तो ऑनलाइन स्टडी हो रही है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस सारे चैप्टर को समझा सकूं। और ज़्यादा फ़ोन यूज़ मत कीजिएगा, ज़्यादा देर तक मत लगिएगा, तो क्योंकि बच्चों आपकी आँखों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। आप सिर्फ उतना ही काम कीजिएगा जितना आपको समझ में आ रहा और जितना आप अभी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। ये मैंने हाउस बना दिया है, अब आपको कलर करना है। इसमें ग्रीन कलर करोगे, ठीक है, और इसमें आपने ब्राउन कलर करना है, ठीक है, इसमें आपने ब्राउन कलर करना है। मैं आपको हिंट दे रही हूँ, आप अच्छे से कलर करना, और इसमें आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर लेकर कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो कलर आप कर दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका हाउस रेडी। और आप चाहो तो यहाँ बाउंड्री बना दीजिए ताकि अच्छी लगे। यहाँ मैंने बाउंड्री बना दी है, और यहाँ पर भी आपने ब्राउन कलर करना है, यहाँ आपने ब्राउन कलर करना है सारी जगह, ये ब्राउन कलर, ठीक है, या ग्रीन भी कलर कर सकते हो, और पीछे आप ब्लू कलर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ड्रॉ। अभी इसमें देखो आपने एक छोटा सा घर दिख रहा होगा, इस साइड आपको एक छोटा सा घर दिख रहा होगा, आप चाहो तो ये भी हाउस बना सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन हमारा पूरा हुआ, ड्रॉ योर हाउस एंड टॉक अबाउट इट। आप ये बात कह रहे हैं कि टॉक अबाउट इट, यानी कि अब बात करते हैं हाउस के बारे में, तो अपने हाउस के बारे में क्या बात करोगे? माई हाउस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, क्या बात करनी है? तो बोलोगे माई हाउस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, है ना। और क्या बोलोगे? माई हाउस इज़ पिंक कलर, मेरा घर जो है पिंक कलर का है, ठीक है। एंड आई हैव इन माई हाउस हैव टू रूम्स, मेरे घर में दो रूम हैं, ठीक है, टू रूम्स इन माई हाउस, मेरे घर में दो रूम्स है। वन किचन, आई हैव अ वन किचन, मेरे पास एक वन किचन है, एक किचन है। इस तरीके से आपने बताना है अपने घर के बारे में, ठीक है। अब चलिए अभी अलग करते हैं पार्ट। हाउ डू यू फील, फील मतलब होता है हैप्पी, सैड, नर्वस, क्रेजी एंड अगली, टिमिड, तो उसको बोलते हैं फील। फील मतलब होता है कि महसूस करना, क्या होता है फील मतलब महसूस करना कि आप कैसा फील करते हैं। तो चलिए, When you get a new dress, जब आप एक न्यू ड्रेस पाते हो तो कैसा फील करते हो? हैप्पी एंड सैड। When I get a new dress, I am so happy, मैं हैप्पी फील करती हूँ। आप कैसा करते हो? सैड या हैप्पी, तो आप अपना फेस बनाओगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, When do you get hurt, When you get hurt, या तुम दुखी होते हो तो यहाँ पर सैड बनाओगे, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा है, When you share your things, जब आप अपने, share means होता है किसी से अपनी चीज़ को बांटना, ठीक है। Things क्या होती है? चीज़ें। When you share your things, जब आप अपनी चीज़ किसी के साथ बांटते हो तो कैसे help करते हो? I am very happy, तो क्या भरोगे इसमें? Happy, मैं इसमें happy feel करती हूँ। When you are ill, ill means होता है बीमार, ill मतलब क्या होता है? बीमार। जब तुम बीमार होते हो तो क्या फील करते हो? सैड। मैं क्या फील करता हूँ? सैड। यहाँ पर आपने सैड लिखना है। अब नेक्स्ट है, ड्रो लाइन्स फ्रॉम द हाउस टू पीपल हु लिव इन योर होम। अब ये कह रहा है लाइन को ड्रॉ करो, क्या करना है? लाइन को ड्रॉ करो फ्रॉम द हाउस, अपने घर से, टू द पीपल हु लिव इन योर हाउस, तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? तो कौन कौन रहता है, तो सबसे पहले बताती हूँ, माई ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर की स्पेलिंग है एम वाई माई जी आर ए एन डी एफ ए टी एच ई आर। ग्रैंड फादर को समझ लेते हैं। देखिए, ग्रैंड जो है दो वर्ड से बना हुआ है, ग्रैंड एंड दूसरा है फादर। तो ग्रैंड फादर यानी कि ग्रैंड मतलब हो गया बड़े, फादर हो गए पापा, तो आपके पिता के पिता, आपके यानी कि पापा के पापा, तो उसे बोलते हैं माई ग्रैंड फादर। तो ग्रैंड फादर यानी कि दादाजी, क्या होता है? दादाजी, ठीक है। उसके बाद है ग्रैंड मदर, क्या है? ग्रैंड मदर। अब ग्रैंड मदर भी दो वर्ड से बना हुआ है, जैसे कि ग्रैंड हो गई बड़ी, मदर हो गया मम्मी। अब देखो, ग्रैंड मदर यानी कि आपकी मम्मी की
मम्मी सर, ठीक है, यानी कि सॉरी, आपके जो पापा हैं उनकी मम्मी, उनको बोलते हैं ग्रैंड मदर, माय ग्रैंड मदर यानी कि मेरी दादी जी। माय फादर, माय फादर कौन होते हैं? आपके पिताजी। माय फादर यानी कि आपके पिताजी, जैसे मेरे पिताजी ऐसे आपके पिताजी होंगे तो बोलेंगे माय फादर। मदर, माय मदर कौन हो गई? माय मदर होगी आपकी मम्मी। कौन हो गई? मम्मी। तो मदर होती है मम्मी, क्या बोलते हैं मदर को? मम्मी। क्या बोलते हैं मदर को? मम्मी। सिस्टर, सिस्टर कौन होती हैं? बहन। कौन होती सिस्टर? बहन होती हैं। देखिए सिस्टर गर्ल है, कौन है? गर्ल होती हैं, तो सिस्टर कौन होगी? बहन यानी कि गर्ल। माय ब्रदर, ब्रदर कौन हो गया? ब्रदर कौन हो गया? भाई, जो कि ये बॉय है, समझाया था ना आपको, लड़का कौन होता है? बॉय। तो माय ब्रदर, ब्रदर होता है भाई। तो जोन से भी आपके घर में रहते हैं तो उसको उस हाउस में पहुँचाना है। फॉर एग्जांपल कैसे पहुँचाओगे? इसको लाइन को ड्रॉ करना है। तो मेरे ग्रैंड फादर इस घर में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज माय ग्रैंड मदर भी इस घर में रहती हैं, और माय फादर भी घर में रहते हैं, और माय मदर भी घर में रहती हैं, और माय सिस्टर भी घर में रहती है, और माय ब्रदर भी घर में रहते हैं। तो ये चारों भी इस घर में रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने ड्रॉ करके दिखाना है, ये ड्रॉ करके इस तरीके से आपने दिखाना है, आपको जिस तरीके से मैंने बताया है, ठीक है, ये ड्रॉ करके आपने दिखाना है। उसके बाद ट्रेस का नंबर, देखो ट्रेस, ट्रेस क्या होता है? ट्रेस क्या होता है? द नंबर ऑन द डॉटेड लाइन्स। आपने ट्रेस मीन्स होता है रेखा खींचना। क्या होता है? जैसे कि आपको डॉटेड लाइन्स दिख रही होगी, इस तरीके की एक डॉटेड लाइन्स दिख रही है, तो उस पर आपने लाइन डालने से वन टू, ठीक है, इस तरीके से आपने फील करना है, थ्री फोर एंड फाइव एंड सिक्स। ये आपकी एक्टिविटी है, ये आप खुद होमवर्क करोगे, ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, उसके ऊपर पेंसिल चलानी है और स्पेलिंग भी आपने याद करनी है, ठीक है। उसके बाद है हाउ मैनी पीपल लिव इन योर हाउस, आपके घर में कितने पीपल रहते हैं? लिव मीन्स रहना, हाउ मैनी पीपल लिव इन योर हाउस, तो बोल राइट है, यहाँ पे लिखो पीपल लिव इन माई फैमिली लिव फोर मेम्बर्स, कितने रहते हैं? फोर फैमिली मेम्बर्स लिव इन माई फैमिली, तो इसमें फोर पीपल लिव इन माई हाउस, मेरे घर में चार लोग रहते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फोर। यहाँ पे स्पेलिंग लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो यहाँ पे लिखना एफ ओ यू आर फोर, कितने लोग रहते हैं? फोर, ठीक है। अब उसके बाद आता है सिंग, क्या है सिंग? अब भी अपने सिंग मतलब गाना गाना है, जैक इन द बॉक्स सी सो स्टील Won't you come out? Yes, I will. तो कैसे गाना है? Jack in the box sits so still. Won't you come out? Yes, I will. इस तरीके से आपने गाना है और इसको याद करना है, और अपने फैमिली में ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, किसी को भी सुनाना है। उसके बाद है कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ अ कैट, अ काउ, अ डॉग एंड अ शीप फ्रॉम ओल्ड बुक्स और न्यूज़पेपर एंड पेस्ट देम बिलो, यानी कि पिक्चर्स को कलेक्ट करना है आपने, कैट की, एक काउ की, और एक डॉग की, और एक शीप की भी, और उसको ओल्ड बुक्स में आपने, मतलब कि जो आपकी ओल्ड बुक्स है उसमें से निकालिए या न्यूज़पेपर में से निकालिए, कहीं से भी निकालिए, और उसको पेस्ट यानी कि चिपकाए। जैसे कि एक कैट, यहाँ पर एक कैट की पिक्चर्स लगानी होगी आपको, ठीक है, इसे एक कैट हो गया, या आ काउ, एक काउ हो गई, या ए डॉग, सॉरी ए काउ और ए डॉग, इनकी यहाँ पर पिक्चर्स लगानी है, और यहाँ पर है ए शिप, एक शिप की भी यहाँ पर पिक्चर्स लगानी है। इस तरीके से आपने यहाँ पर क्या है? पिक्चर्स लगानी है। उसके बाद है ट्रेस ओवर द डॉटेड लाइन एंड कंप्लीट द मंकीज़ टेल। ट्रेस, ट्रेस यानी कि वो आप उस लाइन को ऐसे करके जॉइंट कीजिए पूरा पेंसिल से, और उसको पूरा ऐसे लाइन तक डालिए और बनाइए खुद अपना आप, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको करना है पूरी लाइन,
उसके बाद है सिंग, सिंग माने मॉन्की, मॉन्की ऑन आ ट्री स्विंग 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 स्विंग, मॉन्की मॉन्की ऑन आ ट्री स्विंग 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 स्विंग, यानी कि एक मॉन्की है जो कि पेड़ पर झूल रहा है, ठीक है, वो इसके ऊपर स्टोरी है। उसके बाद है द फॉलोविंग हैव लॉस्ट देयर बेबीज, द फॉलोविंग हैव लॉस्ट देयर बेबीज, यानी कि वो अपने बेबीज को जो है बेबीज जो है खो चुके हैं। तो ट्रेस अलोंग द मेज यूजिंग डिफरेंट कलर्स एंड फाइंड दैम वन हैज़ बीन डन फॉर यू, फाइंड दैम कीजिए और हैज़ बीन डन फॉर यू, ठीक है, तुम्हारे लिए। जैसे कि डॉग, डॉग का बेबी होता है पप्पी, तो किस तरीके से आपने मिलाना है ये ध्यान रखिएगा, मैं एक बता रही हूँ आपको ना, ये आपका होमवर्क होगा। तो डॉग को कहाँ से जाने देंगे आप, तो डॉग का जैसे कि रास्ता होगा, तो डॉग को आप यहाँ से यहाँ से यहाँ से, क्योंकि इसे पप्पी के पास जाना है ना, तो ये आ गया। इस तरीके से आपने रास्ता बनाते हुए सारे एनिमल्स के बेबी को पहुँचाना है, ठीक है। कैट है, काउ है, बटरफ्लाई है, कैंगारू है, लायन एंड डक है। इस तरीके से अब हमारा ये फर्स्ट चैप्टर फिनिश होता है। हमने इनका फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट पोएम जो है हमने पढ़ ली है ये हैप्पी चाइल्ड की। आई होप दिस इज़ वीडियो वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड नाइट एंड टेक केयर एंड स्वीट ड्रीम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।